भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सबको साथ लेके चले। ये जितना आश्वस्त दिख रही थी पहले दिन से, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हेल्पर के सहारे से आप लोग यहां तक पहुंचे? देखिए, हेल्परों की संख्या, भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हमने कोई समाजवादी पार्टी की तरह से जो हथकंडे अपनाए जाते हैं कोई नहीं अपनाया। हाँ, तो जैसे जो होता था आपने देखा था। हम कह सकते हैं कि वर्षा सिंह जीती है, ईमानदारी से लोकतंत्र के हिसाब से जीती है। और जहाँ तक हेल्पर का सवाल है कि 51 लोगों में से किसने हेल्पर मांगने की इच्छा की, वो दिया हुआ है। 51 तेरे बने हैं, अब किसके बने हैं, कौन बने हैं, क्या पता। आगामी विधानसभा चुनाव जो जीत हासिल की है, क्या लगता है कि इस जीत की तरह ही आप आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ रणनीति बनाएंगे? देखिए, 2014 से हमारा विजय का रथ शुरू हुआ है। 2017, 2019 और 2022 में इससे बड़ी विजय हम हासिल करेंगे। जो हमारी एक सीट रह गई थी, 2022 में हम 6 की 6 पर कब्जा करने वाले हैं। हमारे किसी को जितने वोट हमारे साथ थे, मैं पहले भी कहा था कि जीत की संख्या जो बल होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम पूरा वोट करेंगे। क्या जिस तरीके से आपने आगरा में निर्विरोध कराया, क्या बधाइयों में निर्विरोध नहीं हो सकता था? अब ये शुरू से प्रयास किया जाता वो भी हो सकता था, लेकिन ये भी अच्छा लगता है ना, उन्हें भी एहसास होना चाहिए लड़ाई के बाद आनंद आता है, वो आया है। अकाड़े के पहलवान तो लड़ते हुए अच्छे। ये जो जीत हुई है, बड़ी जीत है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को जाता है, जिनके तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो जनता को हित लाभ पहुँच रहा था, ये आज उसी का नतीजा है कि जिला पंचायत सदस्यों की सीट हमारी ज़्यादा रही। और आज अन्य पार्टी के लोगों या निर्दलीय सदस्यों ने भी हमें अपना अमूल्य वोट दे करके हमें और मजबूत करने का काम किया है। वो हमें नहीं बल्कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी को मजबूत करने का काम किया है।